बिजनौर जिला अधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह तेज बारिश में भी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोटा महादेव मंदिर में पहुंचकर कांवड़ियों के हाल चाल जाने, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जी हां, दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने थाना मंडावली क्षेत्र अंतर्गत मोटा महादेव पुलिस चौकी व मोटा महादेव मंदिर पर तेज बारिश में पहुंचकर कांवड़ यात्रा व कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, उनका हाल चाल जाना। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत में डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने सड़कों पर उतरकर कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कांवड़ियों का हाल चाल जाना और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए ये रिपोर्ट। कांवड़ की व्यवस्था को देखा, आपने क्या पाया? हम कप्तान साहब दो लोग से पूछ लेते हैं कि देखा जाए कि रास्ते में कांवड़ियों के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं, तो सारी व्यवस्थाएं सही पाई गई, कांवड़िए भी प्रसन्न हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी असुविधा न हो और पूरा बिजनौर क्षेत्र में उनको सारी सुविधाएँ मिल सकें और वो अपनी यात्रा सब कर सकते हैं। सरकारी महोदय के साथ यहाँ पर कांवड़ियों के लिए जो हमने आधारभूत व्यवस्थाएँ की हैं, जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा की, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि भी हमने पूरे क्षेत्र को सेक्टर में बांट रखा है, जहाँ भी डाइवर्जेंस है वहाँ 3 किलोमीटर पहले इंडिकेशन लगा रखे हैं, पूरे रास्ते में हम ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी कर रहे हैं, चारों तरफ हमारी व्यवस्थाएँ समुचित रूप से लगातार 24 घंटे से करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांवड़ यात्रा सतशत सम्पन्न होगी, उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक, आस्थापूर्वक।